कैसे हो बच्चों आप लोग? वेलकम टू द न्यू क्लास। बच्चों, हम लोग फॉर्मूले से कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। हम लोग एक सीरीज पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। आज का ये लेक्चर नंबर 2 है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई फॉर्मूलों को देखा, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा। बच्चों, एक्सपेक्टेड है कि आपने उसके नोट्स बना लिए होंगे, या उसे आप टेलीग्राम चैनल से उसके पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर लो और उसके बाद फिर उसको देख करके उसके नोट बना लो। ये हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें कि हम लोग कोशिश करेंगे फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जितने की जरूरत पड़ती है हमें जेई के लिए, आईटी के लिए, नीट के लिए, और ये 11th और 12th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके लिए भी वो एक फॉर्मूले के सेट का काम करेगा, प्लस आगे उनको भी तो कंपटीशन को फेस करना है, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें हम लोग बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, इसमें बस हम लोग उस फॉर्मूले का जो यूज है वो क्या है और उसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों तैयार, लेट्स बिगिन। तो बच्चों, अब आपके सामने एक फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। ये D1, ये गलत थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, और ये यहां पर एक प्लस का साइन आएगा। बच्चों, ये थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। ये फॉर्मूला है कहाँ? ये फॉर्मूला है जहां की एक मास m1 u1 की वेलोसिटी से चलता हुआ किसी ऐसे मास को जाके टक्कर मारे जो कि u2 की वेलोसिटी से चल रहा है, कोलिजन का कंसेप्ट है, और टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो v1 v2 हो जाए, यानी इस वाले मास की, m1 वाले मास की v1 हो जाए और m2 वाले मास की v2 हो जाए। तो ये फॉर्मूला बताता है कि टकराने के बाद इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो कितनी होंगी, v1 और v2 क्या होगा। बच्चों, इस फॉर्मूले में थोड़ा सा ये u1 को भी यहां से हटा देते हैं, तो ये u1 प्लस, यानी बीच में ही प्लस का साइन है, उसके बाद ही ब्रैकेट में है। ठीक है, यानी फॉर्मूला क्या है, v2 वाला, v1 सही है, v2 वाला फॉर्मूला 2m1 बाय m1 माइनस प्लस m2 u1 प्लस, फिर ब्रैकेट में है m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2। ये बच्चों कोलिजन का फॉर्मूला है जो कि आपको बताता है कि अगर दो बॉडीज आपस में कोलाइड करें तो उनकी वेलोसिटीज कैसे हम निकाल सकते हैं, कब के लिए वैलिड है ये, इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, ये मोमेंटम को कंजर्व करके और काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करके आया है। अगला फॉर्मूला है बच्चों, बच्चों ये 37 से स्टार्ट हो रहा है, 36 तक का हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा हुआ है, तो अगर किसी का वो क्लास छूटा हुआ होगा तो लेक्चर 1 में जाके उसको चेक कर लो, उसमें पढ़ा। ये फॉर्मूला है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जहां की ई क्या है, कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यही डिसाइड करती है कि जो कोलिजन है वो किस नेचर का है, वो इलास्टिक है, इलास्टिक है क्या है, पार्शियल है। अगर ई की वैल्यू 0 होती है तो ये कौन सा कोलिजन होता है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता है, और अगर ये ई की वैल्यू 1 होती है तो ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है। तो जो कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है उसी से पता चलता है कि कोलिजन का नेचर क्या है, और अगर ई की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई भी कॉमन वैल्यू होगी तो इसका मतलब वो पार्शियल कोलिजन होता है। अब इधर आगे बच्चों कुछ फॉर्मूले रोटेशनल मोशन के, जैसे लीनियर मोशन में वी इक्वल टू यू प्लस एटी एटसेट्रा होता है, बिल्कुल वैसे ही एंगुलर में ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम, यानी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, या इसी को आप ऐसे भी कह सकते थे कि ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, यानी ये जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है लीनियर मोशन में, दिस बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट होता है। जैसे लीनियर में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, वैसे ही थीटा यानी डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर रहा है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन रिप्लेस कर रहा है लीनियर एक्सीलरेशन को, यानी ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के, ये उसके इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसी लॉजिक से ये है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस 2 अल्फा थीटा, ये इक्विवेलेंट है किसके, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस के, यानी कुल मिला के आप कर क्या रहे हो, ये जो ओमेगा है ये रिप्लेस कर रहा है वी को, यहां जो ओमेगा नॉट है वो हमारे उस फॉर्मूले में रिप्लेस कर रहा है यू को, वी इक्वल टू यू प्लस एटी एटसेट्रा,
एंगुलर एक्सिलरेशन ये रिप्लेस कर रहा है लीनियर एक्सिलरेशन को, और थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये रिप्लेस कर रहा है बच्चों किसको, डिस्प्लेसमेंट को, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को। तो ये तीसरा जो 41 वाला फॉर्मूला है ये भी उसी लॉजिक पर है, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये उसी के इक्विवेलेंट फॉर्मूला है। ये बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, ये टॉर्क का फॉर्मूला आ गया अब रोटेशनल मोशन का ही अगेन कंसेप्ट। तो टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ, और इसी को बल्कि आप यहाँ वेक्टर साइन लगा लो, आई अल्फा या डीएल बाई डी टी भी कह सकते हो, ये इक्विवेलेंट है। टॉर्क का काम वही होता है जो रोटेशनल मोशन में, जो कि लीनियर मोशन में होता है फोर्स का। तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, व्हाट इज आर पोजिशन वेक्टर, व्हाट इज एफ फोर्स अप्लाइड, और अल्फा एंगुलर एक्सेलेरेशन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डीएल बाई डी टी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये करीब करीब वही बात हो गई, जैसे आप फोर्स को डिफाइन करते हो लीनियर मोशन में डीपी बाई डी टी, तो उसी तरीके से टॉर्क को डिफाइन कर देते हो आप कैसे, डीएल बाई डी टी से, जहां एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। 43rd बच्चों, ये फॉर्मूला भी रोटेशनल मोशन का ही है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, व्हाट इज एल एंगुलर मोमेंटम, आर पोजिशन वेक्टर, पी लीनियर मोमेंटम। और यहीं से बच्चों फॉर्मूला एक जो आता है, अगर इसको कैपिटल एल से दिखा दें और इसको आर और पी को खोल दें, पी है लीनियर मोमेंटम दैट इज एम वी, तो ये हो जाता है एम वी आर साइन थीटा। बच्चों इस सीरीज में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला और उसका जो एप्लीकेशन है बस वो समझते हुए चल रहे हैं। ये जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूला, ये जो सीरीज है अपनी, इसमें हम लोग इतना ही एप्लीकेशन करेंगे, पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलों को समझेंगे। ये इंपल्स का फॉर्मूला आ गया बच्चों, एंगुलर इंपल्स का, टाउ डी टी जैसे लीनियर इंपल्स होता था एफ डी टी, बिल्कुल वैसे ही एंगुलर इंपल्स दैट इज टाउ इंटू डी टी। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो ये जो आ गया ये टाउ डी टी यानी टॉर्क इंटू टाइम, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट है फोर्स इंटू टाइम के, जब आप निकालते थे क्या लीनियर इंपल्स, तो ये एंगुलर इंपल्स कहलाता है। जे से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, टाउ डी टी इज इक्वल टू एल टू माइनस एल वन, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी आप ये कह सकते हो कि ये इक्विवेलेंट चल रहा है। यहाँ पे ये जो जे है ये एंगुलर इंपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे लीनियर इंपल्स इंपल्स को करता था। टॉर्क रिप्लेस कर रहा है फोर्स को, डी टी ऑब्वियसली टाइम ही है। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, यानी ये आ गया क्या मोमेंटम का, एंगुलर मोमेंटम का चेंज। ये फॉर्मूला किस चीज का है भाई, काइनेटिक एनर्जी, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो जो जगह को थोड़ा बचाने के लिए उसको थोड़ा उलझन से लिखा गया है, हाफ ये फॉर्मूला है इनफैक्ट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, बट इसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई एम वी स्क्वायर होता है, वैसे ही रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यानी आई रिप्लेस करता है मास को और ओमेगा रिप्लेस करता है लीनियर वेलोसिटी वी को। 46 बच्चों, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये क्या इस्तेमाल होती है, ये अगर हमारे पास ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है, कि अगर हमारे पास किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, और हमें किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट निकालना हो जिनके बीच का गैप कुछ डी हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। ये आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट आपको निकालना है, ये एक्सिस इसके अबाउट निकालना है मास क्या, बल्कि पहले इसको देख लेते हैं आईसीएम को। तो सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो उसके पैरेलल किसी भी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करते हो। तो आई क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस शो की गई है इसके अबाउट, आईसीएम क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हुई एक्सिस है उसके अबाउट, डी क्या है ये जो पैरेलल एक्सिस है इनके बीच का गैप। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आप किसी भी ऐसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हो
जो कि सेंटर ऑफ मास से पास करती है एक्सिस के पैरेलल। और यहीं से कंसेप्ट ये आता है कि अगर हमारे पास बहुत सारी पैरेलल एक्सिस हो तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, क्योंकि आप देख सकते हो आईसीएम में कुछ ना कुछ आप जोड़ोगे ही अगर आप कोई भी और एक्सिस लोगे तो। 47th ये है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यानी अगर एक हमारे पास कोई बॉडी है, मान लो कोई प्लेट है, कोई डिस्क है, कुछ भी है, और उसमें हमें एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तो हम उन दोनों को अगर ऐड कर दें तो तीसरी एक्सिस यानी जेड एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वैलिड होती है टू डायमेंशनल बॉडीज के लिए यानी प्लेनर बॉडीज के लिए, जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल दोनों के लिए वैलिड होती है। पर जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसको इस्तेमाल करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि जिन दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप जोड़ रहे हो, जैसे ये आई एक्स और आई वाई को जोड़ रहे हो, तो जो बॉडी हो वो एक्स वाई प्लेन में ही हो, ठीक। यानी आप ये नहीं कर सकते कि किसी भी दो एक्सिस को जोड़ देंगे तो तीसरा आएगा, नहीं। आप उन दो एक्सिस को जोड़ोगे जिन दोनों एक्सिस में वो बॉडी है। जैसे बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स और वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ोगे जेड एक्सिस यानी तीसरी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको पाने के लिए। नेक्स्ट, अपने पास जैसे लीनियर मोशन में होता है, बच्चों इसका पूरा पीडीएफ नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग उसको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसमें जाके ये सारे जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। ये वर्क का फॉर्मूला आ गया टाउ डी थीटा। टाउ दैट ये काम कर रहा है फोर्स का, डी थीटा काम कर रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्विवेलेंट। जैसे वहां होता है कि आप एफ डी एक्स करके, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो रहा हो तो एफ डी एक्स करके आप इसे एक्स वन से एक्स टू इंटीग्रेट करते थे वर्क डन के लिए, वही काम आप यहाँ वर्क के लिए करोगे। फोर्स को रिप्लेस कर रहा है टॉर्क और लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स को डी थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बच्चों ये एलिमेंट्री फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां एम तो बॉडी का मास हो गया और के क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, यानी आप अगर उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहते हो किससे, रिंग से, तो उस रिंग का आप रेडियस क्या लोगे। यानी एक एग्जांपल के तौर पे अगर कहा जाए कि हमारे पास एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसका मास एम है तो अपने एंड के अबाउट होता है एम एल स्क्वायर बाय बाय थ्री। तो अगर इसी को तुम एम के स्क्वायर के बराबर कर दो तो इसका मतलब हुआ मास हुआ कैंसिल और के आया कितना एल बाय रूट थ्री। इसका मतलब क्या निकला कि अगर हम एक ऐसी रिंग ले लें जिसका कि रेडियस एल अपॉन रूट थ्री हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो कि इस रॉड का अपने एंड के अबाउट है। या ये कहा जाए कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक तरीका है किसी भी बॉडी को रिंग से कंपेयर करने का, ठीक है। यानी रॉड जिसका मास एम, लेंथ एल, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड के अबाउट अगर एम एल स्क्वायर बाई थ्री है तो हम एक ऐसी रिंग ले लें जिसका रेडियस कितना हो एल बाई रूट थ्री हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा, इसीलिए इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है बच्चों अपने पास में म्यू कार। ये अब अगेन रोटेशनल का ही कंसेप्ट चल रहा है। ये क्या कंसेप्ट है, ये म्यू की वैल्यू बताता है। यानी अगर आप इंक्लाइंड प्लेन पर किसी बॉडी को छोड़ दें, जो ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते जाओ और इसको प्रॉपर फिर इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं उनको देख करके अपने फॉर्मूले सेट को बना लो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आप इस समय भी और एग्जाम के बाद के टाइम पर भी, एग्जाम से पहले भी। ये फॉर्मूला बताता है कि अगर आप किसी बॉडी को रोटेट इंक्लाइंड प्लेन पर छोड़ दें और ये ऐसे रोल करते हुए आए यानी रोटेट भी करे और ट्रांसलेट भी करे, तो जो सरफेस है इंक्लाइन सरफेस उसका रिफ्रैक्ट उसका कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वो इससे ज्यादा ही होना चाहिए या मिनिमम इसके बराबर होना चाहिए। किसके बराबर, टेन थीटा अपॉन वन प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। यहाँ की आर क्या है इस बॉडी का रेडियस और आई क्या है इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी ये फॉर्मूला कहाँ यूज होता है, ये फॉर्मूला बताता है कि अगर आपने किसी बॉडी को सिलेंडर डिस्क एटसेट्रा तो आपने स्फीयर तो आपने उसको अगर इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर छोड़ दिया तो वो रोल करते हुए नीचे आएगा, तो जो इंक्लाइन सरफेस है उस पर कम से कम जो कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है वो इतने का होना चाहिए टेन थीटा बाय वन प्लस एम आर स्क्वायर बाय आई।
ध्यान देना बच्चों, आई जो है वो सिर्फ एम आर स्क्वायर के नीचे है, यानी म्यू की वैल्यू उससे ज्यादा हो तो अच्छा, लेकिन कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट, अब बच्चों यहां बात हो रही है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमने किसी बॉडी को, किसी फिगर को आप एक बार यूज कर सकते हो एक तरह से, जैसे अगर किसी बॉडी को आपने छोड़ा, मान लो ये थीटा एंगल है, अब ये डिस्क हो सकती है, ये रिंग हो सकती है, ये स्फेयर हो सकता है, ये सिलेंडर हो सकता है, ये ऐसे रोल करते हुए नीचे आ रहा है, यानी ये हाइट है एच और ये है एल। ये फॉर्मूला आप क्या सीखने चल रहे हो कि अगर आपने किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से टॉप से किसी स्फेयर को, डिस्क को, रिंग को, एटसेट्रा, आपने उसको छोड़ दिया और ऐसे रोल करते हुए नीचे आ रही है, तो उसका नीचे आने पर जो नीचे आने का जो लीनियर एक्सेलरेशन है ए है, वो कितना है? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस k² / r² व्हाट इज के? रेडियस ऑफ गायरेशन। वेलोसिटी एट बॉटम, यानी जब ये रोल करते हुए ऐसे नीचे आएगी तो उस समय इसकी लीनियर वेलोसिटी ये कितने की होगी? ये इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, √2gh/1 प्लस k² / r² बच्चों, के स्क्वायर और आर स्क्वायर एक दूसरे के नीचे है, यानी आर स्क्वायर पूरे के नीचे नहीं है। तो ये फॉर्मूला बता देता है कि बॉडी जब नीचे आएगी तो उसकी लीनियर स्पीड क्या होगी। ये फॉर्मूला बताता है टाइम टू रीच द बॉटम, यानी इसको नीचे आने में कितने का समय लगेगा, दैट इज 2l(1 plus k² / r² / g sin θ। बच्चों यही इसी फॉर्मूलों से ये तय होता है कि अगर हम स्फेयर को, सिलेंडर को, रिंग को किसी इंक्लाइन प्लेन के टॉप से छोड़ दें तो नीचे जल्दी कौन पहुंचेगा, नीचे लीनियर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, नीचे एंगुलर स्पीड किसकी ज्यादा होगी, एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूले वहां इस्तेमाल होते हैं जहां ये कंसेप्ट यूज हो रहा हो कि किसी बॉडी को तुमने ऊपर से छोड़ा, इंक्लाइन सरफेस के टॉप से छोड़ा, और वो रोल करते हुए नीचे आ रही है, बताओ किसका उसका लीनियर एक्सीलरेशन कितना है, बताओ उसका एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है। तो अगर ए निकल गया तो a = r α से एंगुलर एक्सीलरेशन भी आ जाएगा। वेलोसिटी एट बॉटम, उसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी है, अगर लीनियर वेलोसिटी आ गई तो v = r ω से एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी। नीचे आने में कितने का टाइम लगा वो इस फॉर्मूले से निकल आएगा, यानी ये फॉर्मूला अगर बच्चों आपको याद रहे तो आप बस उसमें k यानी रेडियस ऑफ गायरेशन बैठा दोगे, चाहे वो सिलेंडर है, रिंग है, डिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आपको वेलोसिटी, टाइम, एटसेट्रा सब मिल जाएंगे। बच्चों देखा जाए तो जैसे 53 नंबर फॉर्मूला, ये 53 नंबर है लेकिन इसमें देखा जाए तो टोटल 3 फॉर्मूले हो गए, एक्सीलेशन का, वेलोसिटी का और नीचे पहुंचने में लगने वाले टाइम का। ठीक है बच्चों, जहां भी आपको अगर उसमें कहीं कोई डाउट होगा तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, और इसमें आप बल्कि ये बताओ भी कि ये आपके लिए कितना हेल्पफुल जा रही है ये सीरीज, क्योंकि ये एफर्ट आप ही के लिए किया जा रहा है। अब आगे बच्चों हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, किसी बॉडी के SHM की जनरल इक्वेशन, कोई बॉडी एक्स एक्सिस पर इधर गई, फिर लौट के आई, फिर पीछे गई, फिर लौट के आई, तो ये उसकी एक जनरल इक्वेशन हो गई, जहां ए क्या बताता है, उसका एम्पलीट्यूड, यानी मीन पोजिशन से कोई पार्टिकल कितना दूर जाता है मैक्सिमम, ये उसका एम्पलीट्यूड है, जिसको आप हिंदी में आयाम बोलते हो। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा को 2πf, जहां एफ क्या है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी को आप 2π/T भी कहते हो, व्हाट इज टी? टाइम पीरियड। तो ए है एम्पलीट्यूड, यानी मीन पोजीशन से कितना मैक्सिमम दूर जा रहे हैं, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2πf या 2π/T, फाई क्या है, जिसको आप बोलते हो इनिशियल फेज या फेज कॉन्स्टेंट। फेज कॉन्स्टेंट मतलब जब आपने मोशन को देखना शुरू किया आपने, यानी ऑब्जर्वर ने, तो उस समय वो पार्टिकल कहाँ पे था, कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पार्टिकल मेन पोजीशन पर हो, अगर पार्टिकल मेन पोजीशन पर है तो फाइव की वैल्यू आप 0 ले लोगे, अगर पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम में है तो π/2 ले लोगे, अगर वो वापस आ गया है दोबारा मेन पोजीशन पर लौट करके तो π ले लोगे, एंड सो ऑन। जब इस एक्स को आप डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हो तो आपको वेलोसिटी की इक्वेशन मिल गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हो तो एक्सीलरेशन की इक्वेशन मिल गई, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप देख सकते हो पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का भी फेज डिफरेंस है π/2, कैसे पता, क्योंकि वो साइन का फंक्शन है और इधर ये कॉस का। सिमिलरली वेलोसिटी और एक्सीलरेशन इनके बीच का भी आप फेज डिफरेंस देख रहे हो कितने का है, π/2 का, वो भी कॉस और साइन के फंक्शन है। तो
और एक्स और ए के बीच का आप फेज डिफरेंस कितना देख रहे हो, पाई, दैट इज 180 डिग्री का। कैसे पता, क्योंकि वो साइन है और ये माइनस साइन है। इसीलिए जब आप एक्स का ग्राफ बनाते हो एसएचएम में, तो वो अपने मेन पोजिशन से स्टार्ट करता है। अगर आप फाइव की वैल्यू को डायरेक्टली जीरो ले लो, वेलोसिटी अपने मैक्सिमम से स्टार्ट करती है और एक्सीलेशन मेन से तो स्टार्ट करता है लेकिन नीचे की तरफ जाता है ग्राफ, जिसके ग्राफ्स बनते हैं। अब आप इन इक्वेशन से ये देख सकते हो बच्चों कि एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू, बल्कि थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको बच्चों, समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा बच्चों इसको आपको भी इस पर मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा इन फॉर्मुलों को नोट करो और इसके बाद इन पर क्वेश्चंस जरूर लगाओ, तब आपको उस पर, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिस पर जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो आपका कमांड नहीं बन पाता सब्जेक्ट पे। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए यानी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ए ओमेगा। बच्चों आप ये देखो, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। आप कर इसको निकाल कैसे रहे हो, आप ये जो फंक्शंस हैं आपके पास में, इनमें आप साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू लेते चले जा रहे हो। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू को आप ए ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हो अगर आप माइनस साइन को हटा दो। माइनस साइन क्या बताता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा। पार्टिकल अगर इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन इधर, पार्टिकल इधर आ रहा है एक्सेलरेशन इधर, ठीक है? तो ये एसएम की बेसिक इक्वेशंस हुई। ये फॉर्मूला बच्चों बताता है तुमको वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ में, यानी ये रही अगर मेन पोजिशन, पार्टिकल ऐसे गया, लौट के आया, फिर पीछे गया, लौट के आया, तो किसी पर्टिकुलर जगह पर, यानी ये अगर एक्स है तो इस जगह पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ए इज एम्पलीट्यूड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एसएचएम में जो भी डिस्प्लेसमेंट लिए जाते हैं वो हमेशा मेन पोजीशन के रेस्पेक्ट में लिए जाते हैं, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है उसके रेस्पेक्ट में लिए जाते हैं, ठीक है? ये प्लस माइनस यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि इसी पोजीशन पर पार्टिकल हो सकता है पॉजिटिव एक्स में जा रहा हो, या जब लौट रहा है तो वो निगेटिव एक्स में जा रहा हो, तो इसलिए प्लस और माइनस इसमें दोनों लिए जाते हैं। 59 फॉर्मूला अच्छा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाई एम, ओमेगा दैट इज 2π/t, और इसी को अगर आप रूट के बाई एम कह दे रहे हो तो यहीं से आपने एक फॉर्मूला निकाल लिया स्प्रिंग लॉक सिस्टम का भी, दैट इज 2π√m/k। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले की प्रैक्टिस जरूर करो, और उसके बाद जो ये ऐप है फिजिक्स मूनशॉट वाला, जिसका लिंक इसमें है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको उस पे जा करके उसको डाउनलोड करके उसमें फ्री टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट डाले हुए हैं, उनको भी देखो, उनके टेस्ट को अपियर करो, उसमें पूरा उसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, देख करके अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और अच्छा बनाओ। कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको ये प्रूफ करना है कि आप दूसरों से बेटर हो, और वो आप तभी कर पाओगे जब आपने अपने आप को सब्जेक्ट पर प्रैक्टिस कर रखी है, सब्जेक्ट पर इसको कहते हैं घिसा हुआ है, तब आप उस काम को कर पाते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगला फॉर्मूला बच्चों क्या है, ये है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का ही, लेकिन तब ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करोगे, जब क्वेश्चन तुमसे ये कह दे कि स्प्रिंग का भी मास है और उसको यहाँ पे एम डैश कहा गया है। यानी बच्चों जो ऊपर फॉर्मूला था ये था स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 2π√m/k का, जबकि स्प्रिंग का कोई मास ना लिया गया हो, मास सिर्फ इस ब्लॉक का हो, और ये फॉर्मूला कहाँ पे इस्तेमाल करोगे, ये बहुत रेयर यूज होगा, बहुत रेयर यूज होगा, लेकिन हाँ फॉर्मूला हमें आना चाहिए, रेयर यूज होगा तो यूज तो हो ही सकता है, यानी क्वेश्चन तो हमारे सामने आ ही सकता है, तो उसको कहाँ इस्तेमाल करोगे, जब क्वेश्चन ने तुमको स्पेसिफिकली ये बता दिया हो कि रिंग जो स्प्रिंग है उसका भी मास है, तो ये एम किसका मास है, ब्लॉक का, एम डैश किसका मास है, स्प्रिंग का, कि ऑब्वियसली स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, कुछ लिखा भी हुआ है, इफ स्प्रिंग हैज मास एम डैश। बड़े आगे आप बच्चों देखो, अब ये आ गया सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला, इसमें भी आप देख सकते हो कई कंडीशन बन गई, कहने को ये एक ही फॉर्मूला लिखा हुआ है 61, लेकिन इसमें आपको टोटल तीन फॉर्मूले दिख रहे हैं। सिंपल पेंडुलम दैट इज, आपने एक पॉइंट से एक धागे को लटकाया और उससे आपने एक बॉब को
ये आपने बॉल को लटका दिया जिसकी लंबाई है एल और ये ऐसे ऑक्सीलेट करे, ये है सिंपल पेंडुलम। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है या ये कहा जाए कि स्ट्रिंग की जो लंबाई है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो आप ये फॉर्मूला चलाते हो 2π√L/g, ज्यादा इस्तेमाल आपको इसी का करना होता है, 2π√L/g। और आप ये देख सकते हो कि ये जी पर डिपेंड करता है जबकि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड जी पर डिपेंड नहीं करता। तो यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि अगर आप चंद्रमा पे जा रहे हो, अगर आप अंतरिक्ष में जा रहे हो, तो कौन सी घड़ी आपके लिए बेटर होगी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर बेस्ड या सिंपल पेंडुलम पर? तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, क्योंकि वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो ये जो फॉर्मूला है बच्चों 2π√L/g, ये इसी का ज्यादा इस्तेमाल होगा। लेकिन हाँ, इसको भी समझो कि ये कब वैलिड होता है, जब स्ट्रिंग की जो लंबाई है यानी ये धागे की लंबाई है, ये रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ऑब्वियसली छोटी होगी क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ 6600 किलोमीटर, और जो आप लेंथ लोगे वो बहुत लोगे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, तो ऑब्वियसली बहुत कम होगा। लेकिन हाँ बच्चों, हमें ये फॉर्मूले को पूरा जानना जरूरी है। दूसरा फॉर्मूला क्या बता रहा है, 2π√RE फिर बाय 1+RE/LG। बच्चों ये 1+RE/LG पूरा नीचे है, ये कब एप्लीकेबल है, जब लेंथ कंपेरेबल हो जाए रेडियस ऑफ अर्थ के। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आ जाता है, यानी इतना लंबा धागा कहाँ से बनाएंगे जो 6600 किलोमीटर को कंपेयर कर सके, यानी उसके कंपेरेबल हो। 6600 किलोमीटर के कंपेरेबल का मतलब हुआ कि 5000 6000 किलोमीटर, यानी इतना लंबा धागा। अब ये सोचने वाली बात है कि सर उसको लटकाएंगे कहाँ से जाके, उसको चंद्रमा पे लटकाएंगे क्या? तो लेकिन इस फॉर्मूले को अच्छा ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होगा, ये तब इस्तेमाल होगा जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कंपेरेबल हो रेडियस ऑफ अर्थ के। और इसी का एक पर्टिकुलर केस भी आ जाता है, बल्कि जब तुम लेंथ को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लेते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2π√RE। अगर लेंथ को रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लिया तो 1+1 2 हो जाएगा 2g, और ये अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स आता है, 60 मिनट आता है, 1 घंटा आता है। ये कब के लिए है, जब लेंथ को आपने रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लिया। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, तीसरा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला तब है जब लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत बड़ी हो। यानी आप एक ऐसा स्ट्रिंग अब इमेजिन करो जिसके सामने रेडियस ऑफ अर्थ नेग्लिजिबल हो जाए, यानी 6600 किलोमीटर नेग्लिजिबल हो जाए। इसका मतलब जो कई लाख किलोमीटर को आप लोगे तब कहीं जाके 6600 किलोमीटर उसके आगे नेग्लिजिबल होगा। इंटरेस्टिंग बात आ जाती है, उसको सर अब कहाँ से लटकाएंगे। इसीलिए उसको बच्चों कहते हैं इनफाइनाइट पेंडुलम। ये जो कंसेप्ट है ये इनफाइनाइट पेंडुलम का है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट पेंडुलम। और इसका टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 84.6 मिनट होता है। ये आया कैसे है, ये लेंथ जब बहुत बड़ी हो जाएगी तो RE/L ये आप इग्नोर कर सकते हो, तो ये बन जाएगा 2π√RE/g। तो ये 84.6 मिनट होता है अप्रोक्सीमेटली ये, इसी क्योंकि अब इससे बड़ा पेंडुलम बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट पेंडुलम। बढ़े आगे अच्छा, साथ साथ में अगर आप खुद के अपने नोट्स बनाओ तो वो और अच्छा है, और उसी को फिर PDF नोट से कंपेयर करो। टॉर्शनल पेंडुलम बच्चों, ये कौन सा फॉर्मूला आ गया आप, जिसमें कि आप किसी थिक वायर को, किसी मोटी वायर को ले करके, और इसके बाद इसके इसको आप किसी डिस्क के साथ में ऐसे जोड़ दो। ये कोई डिस्क है, और ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि ये एक रॉड हो गई और इसके नीचे आपने डिस्क को ऐसे लगा रखा है। अब जब इस डिस्क को आप मोड़ोगे तो ये रॉड भी ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे जब छोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगी। ठीक है, एक रॉड हो गई, मान लो एक वायर है, उसको तुमने डिस्क के सेंटर पे लगा दिया। अब तुम इसको ऐसे ले आके छोड़ो तो ये ऐसे 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 ऑसिलेट करेगी डिस्क। तो ये होता है टॉर्शनल पेंडुलम। आई इसमें बच्चों क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, इस डिस्क का। सी क्या है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट। ये काम वही कर रहा होता है जो काम की स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में मास कर रहा होता है। तो ये सी जो है ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, ये किसका है, ये इस वायर का है। तो ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट होता है 2π√M/K के, इक्विवेलेंट है यानी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के। मास का काम कौन कर रहा है यहां, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। स्प्रिंग कांस्टेंट का काम कौन कर रहा है, टॉर्शनल कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम। फिर ये क्या है भाई, फिजिकल पेंडुलम या कंपाउंड पेंडुलम। बच्चों ये क्या है, ये जैसे सिंपल पेंडुलम में तो क्या है कि धागे के साथ आपने बॉल को लटकाया, लेकिन अगर मान लो आपको कहा जाता है कि कोई रॉड है,
आप उसे रोटेट करा रहे हो, ये कोई रॉड है, आप इसको रोटेट करा रहे हो अपने एंड के अबाउट, यानी ऐसे समझो जैसे ये रॉड है, ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रही है। अब रॉड हो गई, डिस्क हो गई, रिंग हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, कुछ भी, उसको निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करते हो, 2π√i/mgt, जहां आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, किसका, जिस बॉडी को आपने लटकाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये रॉड, मास, बॉडी का मास हो गया जी, ऑफ जो आप समझ ही रहे हो, डी क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की दूरी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बच्चों सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट या फॉर्मूले हम लोगों ने लेक्चर वन में देखे हुए हैं, तो अगर किसी का वो कंसेप्ट छूटा हुआ हो तो लेक्चर वन में जाकर के वो देख सकता है, उसमें हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के निकालने के तरीके को समझा था। तो बच्चों ये किसका फॉर्मूला हो गया, फिजिकल पेंडुलम का या कंपाउंड पेंडुलम का, 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, ये किसके अबाउट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, एम जी इंटू डी मास ऑफ बॉडी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी क्या है, सेंटर ऑफ मास की दूरी कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, जैसे एक धागे से पत्थर को बांधा और इसको ऐसे घुमा रहे, ये है कोनिकल पेंडुलम। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है अपने को, ये फॉर्मूला कोनिकल पेंडुलम वाला, जो दिख नहीं रहा है वो थोड़ा सा उसको, अब दिख रहा है। तो बच्चों ये कोनिकल पेंडुलम क्या है, ये है किसी धागे से पत्थर को बांधा और ये ऐसे गोल घुमा रहा है, ये तो ये होता है कोनिकल पेंडुलम, यानी इसको अगर आप फिगर में शो करो तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये कोई धागे से बॉल को आपने बांधा और ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे। तो ये अब इसमें टर्म्स क्या है इनको समझ लेते हैं। चलो एल धागे की लंबाई, थीटा वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये धागा, यानी अगर ये ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो वर्टिकल के साथ कितने का एंगल बना रहा है ये थीटा, ये है थीटा एंगल। तो ये उसके कोनिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, यानी एक साइकिल ऐसे कंप्लीट करने में इसको कितने का टाइम लगेगा, ये है कोनिकल पेंडुलम। नेक्स्ट बच्चों ये फॉर्मूला क्या है, 2π√r − r into g वाला फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है जैसे अगर कोई बाउल है, कोई कटोरी कह सकते हो, हेमिस्फेयर कह सकते हो, सर कटोरी क्या है, आपने भूख लगने लगी हम लोगों को, ठीक है बच्चों, ये अगर इस कोई स्फेयर है जिसका रेडियस है मान लो आर, स्मॉल आर, और ये जो बाउल है इसका रेडियस है कैपिटल आर बाउल का, तो अगर आप इस बॉल को नीचे छोड़ दो, कौन सी बॉल को, स्मॉल आर वाली बॉल को, तो ये ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, जैसे बाउल है याद रखा तुमने, ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगी, तो ये उसका फॉर्मूला है, यानी ये जो बाउल, इसको अगर यहाँ से थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ा जाए तो ये ऐसे आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर जाएगी, फिर लौट के आएगी, तो ये उसका फॉर्मूला है, 2π R − r। कैपिटल आर क्या है, हेमिस्फेयर का या बाउल का रेडियस, स्मॉल आर क्या है, वो जो बॉल है उसका रेडियस। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको जरूर नोट कर लेना, इनको नोट, इसके नोट जरूर बना लेना, आप वीडियो वीडियो को पॉज करके भी आप बना सकते हो, और यह ज्यादा आसानी होगी, इसके साथ साथ आप समझते जाओ, वीडियो को आप साथ साथ समझते जाओ, और इसका जो PDF नोट है टेलीग्राम चैनल पे, वहां से लेके नोट बना लेना। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, ये कोई डिस्क है, ये अपने रिम के अबाउट, यानी ये कोई रिम ऐसे है, ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है, यानी कि डिस्क मान लो, इमेजिन करो कि हमारा हाथ अगर ये डिस्क होता और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ये उसका फॉर्मूला है। ये बच्चों आ रहा है, वैसे देखा जाए तो जो फिजिकल पेंडुलम वाला फॉर्मूला था उसी से, 2π मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का अपने सेंटर के अबाउट होता है, कितना होता है बोलो, कितना होता है, mr²/2, और सेंटर ऑफ मास की दूरी एक्सिस से कितने की है, आर की, तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम चलाया तुमने, ये ढूंढा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको थोड़ा सा नीचे खींच लेते हैं, और फिर ये mg·d, पूछो सेंटर ऑफ मास की दूरी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने की है, आर की, तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाता है, यानी 2π√3r/2g। जो हम लोगों ने कैपिटल आर यूज कर लिया है
वो अंडरस्टूड है, आप फॉर्मूले में स्मॉल आर लिखा हुआ है, आप उसको कैपिटल आर समझ के चलो। बड़े आगे बच्चों, जिस भी पॉइंट पे डाउट हो, आपको कहीं भी कोई डाउट हो, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर के पूछो। और हाँ, ये चीज भी बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर के बताओ, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है, ये जो वीडियोस बन रहे हैं ये आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, इसको लिख करके बताओ। क्योंकि बच्चों ये पूरा जो एफर्ट है वो आपके लिए ही है। बस पर्पस ये है कि आप एक अच्छी रैंक के साथ में सेलेक्ट हो, चाहे आपका एम इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, जो भी है, आप एक अच्छी रैंक से सेलेक्ट हो, यही आपका भी एम है, यही आपके टीचर का भी एम है। ये कौन सा फॉर्मूला आ गया भाई, 2π√L/1 − σ/ρ g। ये बच्चों फॉर्मूला है, जब कोई सिंपल पेंडुलम को आप ऑक्सीलेट कराते हो किसी ऐसे मीडियम में जिसमें विस्कोसिटी तो नहीं है, विस्कोसिटी यानी इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन, विस्कोसिटी तो नहीं है, लेकिन उसकी जो डेंसिटी है वो कुछ दी हुई है आपको, यानी उसकी कुछ डेंसिटी है। किसकी डेंसिटी? मीडियम की, लिक्विड की। तो ये फॉर्मूला चलता है 2π√L, एल इसमें बच्चों, एल तो धागे की लंबाई हो गई, 1 − σ, सिग्मा किसकी डेंसिटी है, ये देखो यहाँ लिखा है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, और रो किसकी डेंसिटी है, जो नीचे लिखा है यहाँ पे, ये किसकी डेंसिटी है, ये सिंपल पेंडुलम की डेंसिटी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप कहाँ चलाओगे, जब कोई सिंपल पेंडुलम किसी मीडियम में किसी लिक्विड में ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा हो, तो वहां आप चला दोगे। अगर एग्जामिनर ने, अगर क्वेश्चन ने आपको डेंसिटी दे रखी है उस बॉब की, जिस मटेरियल, इस मटेरियल की, तो वो डेंसिटी हो गई रो, सिग्मा क्या हो गई, इस लिक्विड की डेंसिटी, और बाकी आप अंडरस्टूड है, जी और एल तो अंडरस्टूड है। बच्चों ये फॉर्मूला 2π√H/g, ये क्या है, ये फॉर्मूला चलता है जब आपने किसी यू शेप के ट्यूब में, यू शेप के ट्यूब में आपने ऐसे लिक्विड भर दिया हो, ऐसे इसमें ऐसे लिक्विड भरा हुआ हो, कितनी ऊंचाई तक, एच की ऊंचाई तक, ये इसमें एच की ऊंचाई तक दोनों साइड में एक जैसा होगा, लेफ्ट और राइट दोनों में। और तब आप अगर किसी एक साइड को थोड़ा सा नीचे कर दो तो ये लिक्विड ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा, तो ये उसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला 2π√RE/g। बच्चों ये जो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले हैं, ये हम लोग इसमें सिर्फ जो फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन पार्ट ये समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसके किसी भी टॉपिक में बहुत डीप में नहीं जा रहे, बस हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है इसको समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला क्या है बच्चों, कि अगर अर्थ में तुम एक टनल को डिग कर दो, खोद दो, तुम एक सुरंग खोद दो, तुम एक सुरंग खोद दो अर्थ में, और उसमें अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ो, तो वो ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ के सेंटर पे जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर वापस लौटेगा, फिर आगे जाएगा, वो ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट करेगा। तो ये फॉर्मूला बताता है आपको उस ऑब्जेक्ट के, उस बॉल के टाइम पीरियड का, यानी एक अर्थ के डायमीटर के अलोंग आप एक, मान लो आपने टनल खोद दिया, एक सुरंग खोद दी, अब उसमें एक ऑब्जेक्ट को रखा, तो वो जो ऑक्सीलेट करेगा ये उसके टाइम पीरियड को बताता है। आर ई इज रेडियस ऑफ, बच्चों ये फॉर्मूला बताता है आपको किसी ऐसे वी शेप लिक्विड में, फिश कोई वी शेप, मान लो आपके पास ट्यूब है ये ऐसे, ये कोई ऐसे वी शेप की ट्यूब है जिसमें कि ऐसे लिक्विड भरा हुआ है, और ये मान लो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एंगल θ1 θ2 है, तो ये फॉर्मूला बच्चों क्या बताता है आपको, जैसे एक वी शेप ऐसे लिक्विड कोई ट्यूब है जिसका एक साइड से एंगल θ1 θ2 है, और इसमें आपने लिक्विड को भरा हुआ है, जहां बच्चों एम क्या है, लिक्विड का मास, मास, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी अंडरस्टूड है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जो पाइप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, और sin θ1 + sin θ2। बच्चों इस रूट को आगे बढ़ा लो, ये रूट पूरे में है, ऐसे है, sin θ1 + sin θ2। तो ये मास ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, sin θ1 + sin θ2, ये दोनों जो दो साइड्स में एंगल हैं ये वो है, ये रोटेट ऐसे जैसे ऐसे है, मान लो भाई, तो यहाँ θ1 θ2,
अब इसमें अगर आपने लिक्विड को थोड़ा सा दबाव डाला तो ये लिक्विड ऐसे जाएगा ये इसका पावर। ये फॉर्मूला बच्चों स्प्रिंग का है, जैसे स्प्रिंग्स को जब आप पैरेलल में लगाते हो तो उसका इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। जैसे आपने कई स्प्रिंग्स को ऐसे, ये स्प्रिंग है कि यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं, ये ऐसे करते हुए मान लो आपके पास में एन स्प्रिंग्स हैं और आप ये चाहते हो कि आप इन्हें हटाओ और एक अकेला स्प्रिंग लगा दो जो वही काम करे जो ये सारे स्प्रिंग मिलके कर रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है बच्चों। स्प्रिंग के जुड़ने का तरीका कैपेसिटर के जुड़ने के तरीके के जैसा होता है। कैपेसिटर्स भी जब जुड़ते हैं पैरेलल में तो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री एंड सो। जब आप इसको सीरीज में जोड़ते हो तो सीरीज में जोड़ने का तरीका बच्चों मतलब ऐसे कुछ निकल गया कि आपने एक ये लिया फिर एक ये लिया एंड सो ऑन, ऐसे करके आपने ये ले लिया। अब आप चाहते हो इनको हटा के आप एक अकेला स्प्रिंग लगाओ तो उसका एक कॉन्स्टेंट कितना हो, तो वो आप ऐसे निकालते हो यानी रेसिप्रोकल करके। ये भी बात बिल्कुल कैपेसिटर के जैसे ही है। कैपेसिटर जब सीरीज में जोड़ते हैं तो रेसिप्रोकल भी जोड़ते हैं, वो वन बाई होके जोड़ते हैं, ठीक है। और जब वो पैरेलल जुड़ते हैं तो वो डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, सी वन प्लस सी टू एटसेट्रा जुड़ जाते हैं। बच्चों ये फॉर्मूला वैसे तो एसएचएम का ही है लेकिन टाइपिंग में वो थोड़ा नीचे आ गया है। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये यू जो है ये कैपिटल यू यानी पोटेंशियल एनर्जी, ये एसएचएम का ही फॉर्मूला है। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ई क्या है? मैकेनिकल एनर्जी। एक्स डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड। ये फॉर्मूला आप कहाँ इस्तेमाल करते हो? जब आपको एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पता हो, टोटल एनर्जी पता हो और डिस्प्लेसमेंट और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में रिलेट करना हो। वही काम बच्चों यहाँ पे के कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये यू क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी है। ये भी एसएम का ही फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये ई मैकेनिकल एनर्जी, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ए एम्पलीट्यूड, वही चीज यहाँ पे है, ई मैकेनिकल एनर्जी। यानी इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल आप वहां कर सकते हो जहां की आपको मैकेनिकल एनर्जी मान लो पता है, या मैकेनिकल एनर्जी निकालनी हो, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पता हो। 75 फॉर्मूला बच्चों ये क्या आ गया? ये तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि अगर दो मासेस हैं m1 और m2 और उनके बीच का फासला है r, तो उनके बीच में फोर्स को आप इस ढंग से निकालते हो, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की ही फोर्स होती है, gm1 m2 by r square, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब अच्छा इसमें भी देखो तो आप तीन फॉर्मूले आ गए, थोड़ा सा बच्चों ये पहला फॉर्मूला क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड का है कि अगर कोई मास है, कोई स्फेयर है और उससे हम सेंटर से आर की दूरी लें तो वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितने का होगा। तो ये जो पहला वाला फॉर्मूला है जो ई का भी इस्तेमाल जैसे ग्रेविलेटिव फील्ड के लिए करते हैं वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी कर लेते हैं। gm बाय स्मॉल आर स्क्वायर, जहां जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम मास ऑफ स्फेयर, स्मॉल आर दूरी सेंटर से, कितनी दूरी है ये आप बाहर के किसी पॉइंट पर या सरफेस के पॉइंट पर आप फील्ड को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हो। अगर आप सरफेस के लिए करोगे तो ये स्मॉल आर जो है ये कैपिटल आर दोगे तो बन जाएगा जी एम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, बाहर के पॉइंट्स के लिए आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। तो ये फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लो हॉलो स्फीयर है, यानी आप एक ऐसी गेंद इमेजिन करो जो बीच में से खाली है, खोखली है, जैसे वो टेनिस वाली बॉल होती है, अंदर से खाली है, सिर्फ मटेरियल बाहर है, तो इसके अंदर कोई फील्ड नहीं होता। ये कंसेप्ट बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसा ही है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है, चार्ज उसके आउटर सरफेस पर होगा तो वो उसमें कहीं कोई अंदर फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पे ग्रेविटेशन में भी होती है। ये फॉर्मूला किस चीज का है कि अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है और आपको अंदर के किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना है, यानी ये कोई सॉलिड स्फीयर है, कोई ठोस बॉल है, पूरा मटेरियल इसके अंदर भरा हुआ है और आपको उस अंदर किसी पॉइंट पर फील्ड को निकालना है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जी एम आर बाय कैपिटल आर क्यू। ऑब्वियसली जी यानी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, एम इज टोटल मास, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर,
कैपिटल आर क्यूब, व्हाट इज कैपिटल आर? रेडियस ऑफ स्फीयर। बच्चों ये जो फॉर्मूले हैं ये एज इट इज इस्तेमाल हो जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, बस कैपिटल जी की जगह ले लेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और मास की जगह ले लेगा चार्ज। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को इतने पे ही कंप्लीट करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो, और उसमें जहां भी बच्चों आप लोगों को कहीं को इसमें डाउट होता है तो उसको आप लिख करके पूछो। ये पूरा एफर्ट बच्चों आपके लिए ही है, और ये एफर्ट सक्सेसफुल तभी होगा जब आप इसमें अपने एफर्ट को जोड़ोगे और अपने कंसेप्ट को, अपने तैयारी को इतना अच्छा कर लोगे कि आप एक बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ये कितना हेल्पफुल है। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग और इसके आगे के और वीडियोस देखेंगे। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, कीप स्टडिंग।